हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर वन प्लस 70 डिवाइस का नया ऑक्सीजन ओएस का नया अपडेट आ चुका है। इस नए अपडेट में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। इस अपडेट का नाम है 10.3.4। इस अपडेट में आपको काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, उन सब के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर सिस्टम अपडेट में अपडेट लॉक के बारे में, तो ये कुछ देखने को मिल जाता है हमें सिस्टम में। काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा निकल कर आता है इसका अपडेट। अपडेट तो हमें वही देखने को मिल जाता है जो कि हमें वन प्लस 7 प्रो डिवाइस का देखने को मिलता है। उससे केवल थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाता है, केवल और केवल यहाँ पर रीडिंग मोड को लेकर के थोड़ा सा चेंजेबल देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको न्यूली एडेप्टिव वन प्लस बड्स ईजियर टू टेक एडवांटेज ऑफ वायरलेस कनेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वन प्लस बड्स जो नए लॉन्च हुए हैं उनका आपको यहाँ पर कनेक्शन ऐड करने के लिए देखने को मिल जाता है। इसी के साथ काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो वो चलकर देख लेते हैं वन प्लस कम्युनिटी पर। तो ये यहाँ पर एक थ्रीड देखने को मिल जाता है। इस थ्रीड में यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैं बात करूँ ऑक्सीजन ओएस 10.0.12 एंड 10.3.4 के नाम से इस अपडेट को दिया गया है। 10.0.12 यानी कि ये यू और ग्लोबल के नाम पर है। इसी के साथ 10.3.4 नाम इसका इंडिया वर्जन के लिए दिया गया है। तो ये एक इसका इंक्रीमेंटल अपडेट है जो कि हम सभी को देखने को मिल जाता है। फिलहाल में ये कुछ ही यूजर्स के लिए मिला है और धीरे धीरे करके ये 1 से 5 दिनों के अंदर ये सभी यूजर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल में अगर आपको अपडेट नहीं पता है तो आप इसको सिस्टम में जाकर के अपने चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में आपको बता देता हूं। तो यहां पर मैं बात करूं आपसे न्यूली अडेप्टिव के बारे में, तो मैंने आपसे बात कर ली अपडेट लॉक के साथ में ही। साथ में यहां पर देखने को मिल जाता है प्रोवाइडेड ए वेरिटी ऑफ लॉक स्टाइल फॉर यू, यू कैन कस्टमाइज ऑन योर ओन। तो ये यहाँ पर गो टू सेटिंग कस्टमाइज क्लॉक स्टाइल, तो ये क्लॉक स्टाइल आपको ये कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग डिफरेंट स्टाइल की आप यहाँ पर क्लॉक स्टाइल नई अब सेटअप कर पाएंगे। इसके लिए आपको सेटिंग में कस्टमाइजेशन में जाना होता है, उसके बाद में ये कुछ डिफरेंट टाइप की आप क्लॉक सेटअप कर सकते हैं। तो जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है, पहले कुछ ही देखने को मिल जाती थी, अब यहाँ पर काफ़ी कुछ नई ऐड कर दी गई हैं। इसी के साथ बात करूँ फिक्स द इशू दैट डबल टैप कुड नॉट बैकअप द स्क्रीन इन सम सेटिंग्स। तो ये कुछ इशू था हमें जब डिस्प्ले ऑफ रहती थी, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम डबल टैप करते थे तो उस दौरान कभी कभी ऐसा इशू देखने को मिला है जब ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन ऑन नहीं होती है। तो इस इशू को भी अब यहाँ पर फिक्स कर दिया है। साथ में यहाँ पर अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज 2 जुलाई 2020। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात है, जो कि बीटा 6 के यूजर्स हैं वो अगर स्टेबल पर आना चाहें इस अपडेट के साथ में, वो यहाँ पर आ सकते हैं स्टेबल पर, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल दोनों के ही सेम हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैं जल्द ही इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप बीटा से स्टेबल पर कैसे आएँ और यहाँ पर क्या कंडीशन होती है बीटा से स्टेबल पर आने की। इसी के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ में इट हैज़ एडेप्टिव टू ब्लूटूथ हियरिंग एड ऐप कनेक्शन अंडर द एंड्रॉयड 10 ऑडियो स्ट्रीमिंग फॉर हियरिंग एड ASHA एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये कुछ एडेप्टेड किया गया है, यहाँ पर नया कुछ ऐड कर दिया गया है, एक प्रोफाइल है ब्लूटूथ की जो एंड्रॉयड 10 के साथ में स्ट्रीमिंग पर कुछ इशू थे, वो यहाँ पर एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया है इन्होंने और वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी गई है। इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है नेटवर्क के अंदर फिक्स द रॉन्ग डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ इंसर्टेड सिम कार्ड फ्रॉम डिफरेंट कैरियर। यहाँ पर अगर हम जो भी कैरियर होता था हमारा, वो कभी कभी यहाँ पर कुछ इशू करता था, वो यहाँ पर सही नाम शो नहीं करता था, तो वो यहाँ पर इशू देखने को मिल जाता है फिलहाल में भी। और इसी के साथ में अगर कोई कॉल आती है आपके नंबर पर तो आपका इंटरनेट डेटा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, इस इशू को भी मैंने देखा है। भले ही आपकी सिम बन में इंटरनेट है और सिम बन पर ही कॉल आ रही है, तब भी यहाँ पर दोनों सिम में से किसी का भी इंटरनेट ऑन नहीं होता है, तो ये इशू भी देखने को मिला है। अगर आप कॉल करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, तो इस इशू को हो सकता है इस अपडेट पर
काफ़ी हद तक फिक्स करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ फ़िलहाल में अभी चेक नहीं की है। तो जल्द ही मैं ये सब कुछ बग को लेकर के भी चेक करने वाला हूँ और उसके बाद में एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को इस अपडेट में देखने को मिल जाती हैं। इस थ्रीड को यहाँ पर क्रिएट किया है अब्दुल बी ने, परंतु ये अपडेट मुझे देखने को मिल गया है अपडेटर ऐप के अंदर। तो यहाँ पर आप भी अपने डिवाइस पर चेक कर लीजिए, अगर आपको मिला है तो आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही मैं इसकी डाउनलोड की लिंक दे दूँगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस रोम को डाउनलोड करके लोकल अपग्रेड के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। और साथ में जो भी बीटा यूजर्स हैं वो अगर स्टेबल पर आना चाहें, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं उन्हें बता दूंगा कि वो किस तरीके से यहां पर किन किन शर्तों के साथ में स्टेबल से बीटा और बीटा से स्टेबल पर जा आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।